Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स के बारे में. अब बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता है, उसके कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है. तो ये सेशन में, ये वीडियो में हम लोग वो जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है. और इससे क्या होगा कि आपको अगर आप CEH कर रहे हो, सिक्योरिटी प्लस कर रहे हो, तो उनमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आपके इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं. इन फैक्ट इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. तो आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए. ओके, तो अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप एक इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर रहे हो जो डिजिटली सिक्योर, नॉट सिक्योर, डिजिटली स्टोर है, ठीक है. तो जो इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर है उसको आप सिक्योर करते हो. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं. अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं या फिर अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे चैनल पर आती रहती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है. ओके, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है. इसको आप CIA ट्रायड से भी कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है. अब देखो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपको सिक्योर करके रखना है थेफ्ट से, टेम्परिंग से, या फिर इंफॉर्मेशन से जो भी इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, ठीक है, या फिर उसे छेड़छाड़ कर रहा है. ओके, तो ये सब चीजों से आपको अपना इंफॉर्मेशन बचाना है. सबसे पहला क्या आता है आपका, आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है. अब ये जो वर्ड है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब है कि आपका जो भी डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए, जो भी आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से या फिर डिस्क्लोजर से, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा कि जो AIIM से, ठीक है, उनका जो डेटा है वो लीक हो गया, या फिर डोमिनोज का जो डेटा है वो भी लीक हुआ था, ठीक है. तो इतने सारे जो डेटा है वो लीक क्यों हो रहे हैं? ओके, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वेबसाइट जो है वो आपकी प्रॉपर तरीके से सिक्योर नहीं है. और ये सीधे सीधा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी में, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे की कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो रही है, ठीक है. तो अगर सपोज आपका एक डेटाबेस है, ठीक है, आपका एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट में आपका डेटाबेस है, अब वो अगर जो डेटाबेस आपके पास है और अगर हैकर ने इस डेटाबेस को हैक कर लिया, तो आपका सारा का सारा डेटा हैक हो जाता है. ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब इतना ही है कि आपको उसके अंदर बहुत सारे चीजें इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ताकि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी वो मेंटेन रहे, ठीक है. फिर आता है आपका इंटीग्रिटी. ओके, इंटीग्रिटी. अब इंटीग्रिटी यानी क्या होती है? इंटीग्रिटी यानी आपका जो भी डेटा है वो करेक्ट एंड एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है. आपका जो भी डेटा है वो करेक्ट एंड एक्यूरेट होना चाहिए. अगर आपका डेटा से कोई छेड़छाड़ करता है, उसको अपडेट करता है, या फिर अनऑथराइज तरीके से उसको डिलीट करता है, मॉडिफाई करता है, करप्ट करता है, यानी आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं पर्सन वन की बात कर रहा हूँ, इसने मैसेज किया हाय, ठीक है, और पर्सन टू है, उसने मैसेज रिसीव किया हेलो. अब अगर हाय भेजा है और पर्सन टू को हेलो रिसीव हुआ, यानी अटैकर ने बीच में उस मैसेज को मैनिपुलेट कर दिया, या फिर उस मैसेज को सेंड चेंज कर दिया, ठीक है. एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास में एक टी शर्ट है, मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, और ई कॉमर्स की वेबसाइट में मेरी टी शर्ट है 200 रुपए की, ठीक है, और वही टी शर्ट का मैं प्राइस चेंज कर देता हूँ 1 रुपीज में, और वह सक्सेसफुली परचेस हो जाता है, यानी वेबसाइट वल्नरेबल है, ठीक है, उसके अंदर पैरामीटर टेम्परिंग की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है. ओके, देन अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी यानी आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो रिसोर्स है, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको इजीली जो है वो यूज कर सकते हो. ओके, और इंटीग्रिटी में अगर बात करूं, तो उसके अंदर आपको कुछ काउंटर मेजर रखने पड़ेंगे, जैसे कि डेटा चेकसम रखना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर्स रखने पड़ेंगे, कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म्स है,
और अवेलेबिलिटी में भी आपको आपका जो डेटा है वो हमेशा बैकअप होना चाहिए ताकि कोई भी डेटा आपका करप्ट ना हो, और डिजास्टर रिकवरी प्लान बना सकते हो आप, और एक रोबस्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इम्प्लीमेंट करना है ताकि अपनी अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर सको। ठीक है, तो अगर आपका डेटा अब तक के अवेलेबल नहीं है, यानी कोई ना कोई अटैकर आपके डेटा को ले रहा है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर फेसबुक का अकाउंट है तो मैंने अगर फेसबुक पे लॉग इन किया तो मेरी आईडी है, मैं उसका डेटा यूज कर सकता हूँ, मेरे तक के अवेलेबल है, लेकिन किसी ने हैक कर दिया तो मेरा डेटा मुझ तक के कैसे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यही कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देन आते हैं मोटिव्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक्स। अब जो अटैक्स होते हैं हमारे साइबर अटैक्स में या फिर हमारे साइबर वर्ल्ड में, तो उसका एक मोटिव होता है, उसका गोल होता है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, अब अटैक इज इक्वल टू मोटिव प्लस मेथड प्लस वल्नरेबिलिटी, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, आपका अटैक इसलिए परफॉर्म होता है क्योंकि आपके पास एक गोल है, आपके पास में मेथड है और आपके पास में वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, आपने एक मोटिव लिया कि मुझे डेटा ब्रीच करना है या फिर मुझे उस वेबसाइट में डॉस अटैक परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, आप पहले मेथड चेक कर सकते हो कि मैं किस मेथड से डॉस अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ, या फिर आप वल्नरेबिलिटी चेक करते हो कि उस वल्नरेबिलिटी से मैं डॉस अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मोटिव और गोल ये डिपेंड करता है अटैकर पे। ठीक है, अब अटैकर क्या करते हैं, उनके बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे मोटिव होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल गेन, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल रीजन से, रिवेंज, डिसरप्शन और सम क्यूरियोसिटी भी आप उसको कह सकते हो, जैसे कि कुछ होती है ना कि हाँ इस चीज के लिए उत्तेजता समथिंग कुछ, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, तो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो आपका क्या मोटिव है और वो मोटिव हेल्प करता है अटैकर को अपने अटैक को परफॉर्म करने के लिए। और मेथड, ठीक है, यानी आपका क्या टेक्निक है, आप क्या टूल्स यूज कर रहे हो अटैक के लिए, तो अटैकर अपने अटैक को कैसे अटैक करता है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करता है, क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, क्या वल्नरेबिलिटीज वो फाइंड कर रहा है, या फिर वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज कर रहा है, क्या चीजें वो यूज करता है। ठीक है, और उस एक्सप्लॉटेशन से वो क्या परफॉर्म कर रहा है, लाइक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है या फिर मालवेयर अटैक लॉन्च कर रहा है, कोई फिशिंग कैंपेन है या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर रहा है, काफी सारे मेथड होते हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज यानी सिंपल चीज है आपकी वीकनेस। ठीक है, तो वो आपके सिस्टम में वीकनेस फाइंड करता है, एक फ्लॉ फाइंड करता है ताकि आपको एक्सप्लॉइट कर सके, और ये जो वीकनेस है ये सॉफ्टवेयर में हो सकती है, हार्डवेयर में हो सकती है, नेटवर्क आर्किटेक्चर में हो सकती है, इवन ह्यूमन प्रोसेसेस में भी हो सकती है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग ह्यूमंस पे ही होते हैं। ठीक है, तो अटैकर्स क्या करता है, एक्सप्लॉइट सर्च करता है, चेक करता है कैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करे, फिर चेक करता है कि कैसे अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करे, सर्विसेज को डिस्टर्ब करे और कैसे इंफॉर्मेशन को चुरा ले। ठीक है, तो मोटिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। देन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अगर मैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करूं, यहाँ पे दो टीम्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिफेंसिव टीम और एक है ऑफेंसिव टीम। ठीक है, अब डिफेंसिव टीम के पास में एक ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो डिफेंड करता है अपने आईसीटी एसेट्स को, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और ऑफेंसिव जो है वो बेसिकली अटैकिंग वेक्टर। अब ऑफेंसिव क्या है, अटैकिंग वेक्टर है, और डिफेंसिव क्या है, डिफेंसिव वेक्टर है। अगर सपोज चाइना और रशिया में कोई साइबर वॉर हो रहा है और चाइना अटैक कर रहा है अपना रशिया पे, तो चाइना के पास में क्या क्या चीजें अटैक कर सकता है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन अटैक्स कर सकता है, वेब सर्वर्स अटैक कर सकता है, मालवेयर अटैक होता है, MITM अटैक होता है, सिस्टम हैकिंग होती है, तो ये सारे के सारे अटैकिंग वेक्टर है। अब ये अगर अटैक हो रहा है तो उसको बचाना भी है, तो उसका क्या डिफेंसिव वेक्टर हो सकता है, कैसे उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आप उसको डिटर कर सकते हो, कैसे आप अपने अलर्ट जनरेट कर सकते हो, कैसे आप उस पर्टिकुलर अटैक को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद उस चीज को आप कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हो, एंड आपके पास क्या क्या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है उस पर्टिकुलर अटैक से। तो अटैकिंग वेक्टर और डिफेंसिव वेक्टर दो होते हैं। ठीक है, डिफेंसिव वेक्टर डिफेंड करता है अटैक को और अटैकिंग वेक्टर अटैक करता है डिफेंस को। ठीक है, और ये दोनों ही काम में आते हैं अगर आप किसी भी सिस्टम को टेस्ट करते हो तो। ओके,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग साइबर सिक्योर। ओके, और काफी सारे वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे POCs भी अपलोड किए हुए हैं बग बाउंटी के, ताकि आपको वो काफी ज्यादा पसंद आए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमको मेल कर सकते हो। एक बार आप जाकर के विजिट करो cyberbugs.in पे, देन आपको वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली।